की मूवी के रिलीज हुए 5 दिन हो चुके हैं गाइस। 5 दिन के अंदर काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई क्या ये मूवी हिट हुई है या फिर दोस्तों क्या ये मूवी फ्लॉप हुई है। चलो मैं आप लोगों को यहाँ पे जो दिखा रहा हूँ गाइस, आज भी यहाँ पे जो है मेकर्स ने 5 दिन का टोटल कलेक्शन जो होता है उसको भी यहाँ पे जो है डाल दिया, जिसको देखने के बाद तो लोगों के यहाँ पे जो है होश ही उड़ चुके हैं। लिटरली में 256.40 करोड़ रुपए की इनकम जो होती है ऑलरेडी यहाँ पे डंकी ने कर ली है गाइस। अभी भी यहाँ पे जो है लोगों के मन में सवाल चल रहा है कि क्या ये मूवी यहाँ पे जो है फ्लॉप तो नहीं होगी। एंड में एक ऐसी बात बताऊंगा जिसे सुनने के बाद जो भी डंकी के हिटर्स है वो अपना मुंह बंद कर लेंगे, दोबारा यहाँ पे जो है कभी भी बुराई नहीं करने वाले डंकी मूवी की, ठीक है। चलो मैं आप लोगों को यहाँ पे जो पूरा डेटा होता है वो यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो गाइस टोटल अभी तक यहाँ पे जो है डंकी ने 129 करोड़ रुपए की इंडिया नेट में इनकम जो होती है वो यहाँ पे जो है कर ली है, ठीक है। एंड गाइस डे 1 में 29 करोड़ रुपए कमाए थे इंडिया नेट से, डे 2 में उन्होंने यहाँ पे जो है 20 करोड़ रुपए कमाए थे, डे 3 के अंदर यहाँ पे 25 करोड़, डे 4 में 30 करोड़ रुपए, एंड डे 5 के अंदर यहाँ पे जो है 24.32 करोड़ की इनकम की थी। ऐसे टोटल करके यहाँ पे 129 करोड़ इंडिया नेट के अंदर यहाँ पे जो है ऑलरेडी इनकम कर ली थी, ठीक है। टोटल इंडिया नेट के अंदर यहाँ पे 129.95 करोड़ रुपए, वर्ल्ड वाइड कनेक्शन 256 करोड़ रुपए जो होता है 5 दिन के अंदर यहाँ पे ऑलरेडी कर लिया। एंड गाइस ओवरसीज से यहाँ पे 100 करोड़ की इनकम जो होती है वो यहाँ पे की थी, जो आई थिंक सो कि सलार से यहाँ पे जो है ज्यादा। अगर बात करें आज के दिन यहाँ पे डे 6 में यहाँ पे जो है एडवांस बुकिंग से 4 करोड़ रुपए की इनकम जो होती है वो भी यहाँ पे कर ली है। तो भाई ये तो कहीं रुकने का नाम ले नहीं रही। बात करें ऑक्यूपेंसीज के बारे में तो गाइस आज के दिन यहाँ पे जो है मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी थी यहाँ पे 11%, एंड गाइस आफ्टरनून की ऑक्यूपेंसी भी यहाँ पे जो है अभी तक आज एक वीकडे है उसमें भी यहाँ पे जो है अपने को 20% यहाँ पे देखने को मिल रही है। बोल रहे हैं भाई ये मूवी कहीं फ्लॉप तो नहीं हो गई। भाई ये मूवी का बजट पता है कितना है? चलो एक बात बताओ फ्लॉप का मतलब क्या होता है? फ्लॉप का मतलब होता है जितना बजट इसके ऊपर लगाया गया है मूवी में अगर वो जो मूवी है उतना निकाल नहीं पाती, मतलब उतना कमा नहीं पाती, तो उसे फ्लॉप कहते हैं। 120 करोड़ के अंदर बनी हुई है ये पूरी की पूरी मूवी, जिसका ऑलरेडी कलेक्शन अभी तक टोटल यहां पे जो है हो चुका है 256 करोड़ ओवरसीज को मिला के। तो भाई ये मूवी फ्लॉप कैसे हुई है? अभी तो भाई चलेगी कम से कम ये 1-2 हफ्ता और आराम से यहां पे जो है 300-400 का कलेक्शन तो यहां पे कर देगी। अब मेरे को पता है लोग यहां पे जो है वापस से शाहरुख खान से 1000 करोड़ की उम्मीद लगा रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ये नहीं गाइस कि 1000 करोड़ नहीं किया तो मूवी फ्लॉप हो गई। 120 करोड़ के अंदर बनी हुई मूवी ऑलरेडी यहां पे जो है 250 करोड़ से ऊपर कमा चुकी है, आगे अभी भी यहां पे जो है वर्क करेगी। तो भाई मूवी तो ऑलरेडी यहां पे जो है सुपर डुपर हिट यहां पे हो ही चुकी है। ओवरऑल आप लोगों को मूवी कैसे लगी मेरे को कमेंट करके जरूर बताना।